आजमी, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमजद हनीफ वतन न्यूज़ के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाक सरजमीन के वाइस चेयरमैन शब्बीर अहमद कायम खानी साहब। आज हम उनसे मालूम करेंगे आज की मौजूदा सियासत के आज से गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे इनके आज जो पार्टी में जो आज जो मसले मसाइल चल रहे हैं उसके हवाले से आज उनसे बात करेंगे कि आजकल PSP में और MQM पाकिस्तान में जो इख्तलाफ हैं इसके हवाले से क्या कहेंगे। इख्तलाफत तो कोई ऐसे इख्तलाफत नहीं है हमारे, हम अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मीडिया पर जो देखी जाती है जो हमारे जराए बताते हैं तो उसमें तो बड़ी कशीदगी हो जाती है। किस हवाले से आप जिन डिटेल पूछे किस हवाले से? सबसे पहली बात तो यह है कि MQM आपको पता है MQM साथ हो गई अब पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नून के, आप इस बारे में क्या बोलेंगे? इसमें आवाम का कितना मफाद है, आवाम को इससे कोई फायदा होगा या नहीं होगा, खास तौर पर कराची को कितना फायदा होगा इस बात? अमजद हनीफ साहब, मैं आपको ये बता दूं कि आवाम को बखूबी इल्म है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मिलकर और PMLN से मिलकर ये MQM क्या कर रही थी, क्योंकि इससे पहले भी जब MQM बहुत ज्यादा ताकत में थी, जब MQM में धड़ेबंदी नहीं हुई थी, तब ये भी MQM इन पार्टियों से इतिहाद करती रही है। लेकिन आवाम की जो मसाइल में जूं के तू हैं, पढ़े लिखे नौजवान आज भी बेरोजगार है, कराची हैदराबाद सिंध के शहरी इलाकों में जहां MQM नुमाइंदगी करती थी, जहां की आवाम ने MQM को गुज़श्ता 3.5 से मैंडेट दिया, तो हमारे कोई इख्तलाफ नहीं। हम बात जरूर करते हैं, हम आवाम को बता जरूर है कि आवाम को ये गुज़श्ता 30-35 साल से बेवकूफ बनाते चले आ रहे हैं। लज़ महजे पर हमने आवाम को शऊर देने की कोशिश की है, अवेयर करने की कोशिश की है कि इनके चंगल से अभी आप निकले, ये आवाम के खैरख्वाह नहीं है। खाली झूठे नारे लगाकर इन्होंने आवाम का पैरा गर्क किया और मजीद कर रहे हैं। तो आवाम को सोचना चाहिए और खासकर उर्दू बोलने वालों को सोचना चाहिए जो जिनके ठेकेदार बनते हैं। इन्होंने कुछ नहीं करना, अभी आप देखेंगे अभी भी इन्होंने अभी तो पूरी महाजर कौम को इन्होंने बेच दिया पीपल्स पार्टी के हाथों। आज से 2-3 माह पहले ये इसी सीम हाउस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे, ठीक है, वहां पर इनके जो जिम्मेदारान थे, इनके जो लीडर थे, वो गरीब आवाम को जो कारकुनान थे, जो माए बहने थे, उनको बेहार मदद का छोड़कर भाग गए थे, जिसकी फोटो भी मौजूद है। और एक कारकुन कहते हैं कि मोहम्मद असलम कारकुन हमारा शहीद हुआ, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का कहना है कि वो तभी मौत से उसका इंतकाल हुआ है, कोई तशद्दुद से उसका इंतकाल नहीं हुआ। खैर, उसकी ये लाश साथी की लाश लेके घूमते रहे कराची में सियासी फायदा हासिल करने के लिए, और आज वो असलम इनका मुतालबा रहा है कि असलम के कातिल मोहम्मद असलम के कातिल को गिरफ्तार करो, और आज उन्हीं के साथ जिनको ये कहते थे कातिल है उन्हीं के साथ जाकर ही बैठ गए। तो इन्हें आवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं है, ये खाली अपने इख्तदार को तूल देने के लिए, अपनी सीटें हासिल करने के लिए चंद लोगों का एक टोला है। अब हम आवाम को यही कह रहे हैं कि आपको समझने की जरूरत है, इस टोले के खिलाफ उठ खड़े हों जिन्होंने आज महाजर कौम का यह असर किया है कि आज नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही है। यहाँ कराची की हालत आप देख रहे हैं, जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है इस मुल्क में, उस कराची शहर का हाल आवाम ने जिनको मैंडेट दिया ना 3.5 से दे ही रही है, और अभी भी इनके MNS मौजूद हैं, इनके फेडरल मिनिस्टर अभी ये कह रहे थे, अभी इनकी बातों के तजाद आप देखें कि किस कदर झूठ बोलते हैं माह रमजान के बाबरकत और मुकदस महीने के अंदर, इस बात से अंदाजा लगा रहे। फुटेज मौजूद है, आजकल कोई बात छुपाई नहीं करती, आजकल एकदम आपको पता है कि सारी सोशल मीडिया पर वायरल होती है। कुछ दिनों पहले आप जैसे एक साफी ने सवाल किया खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से, जो इस पार्टी के अभी सरबरा है MQM पाकिस्तान के, कि आप वजारत का कब उठा रहे, तो इन्होंने कहा हम वजीर नहीं बनेंगे। हम तो उस एंकर ने पूछा वजीर क्यों नहीं बनोगे, इसलिए कि वजारत से हटकर हम अच्छे काम कर सकते हैं। लेकिन आज इनके दो वजीर बन गए। अभी आप PSP को कहां देख रहे हैं? अभी आपके बदियाती इलेक्शन आ रहे हैं, तो पाकिस्तान जमीन पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान जमीन पार्टी का नेगेटिव शुरू 6 साल से एक ही है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब आवाम के समझ में बात आ रही है मुस्तफा कमाल के 2018 में, उसमें तफसील में नहीं जाना चाहता कि हम हार गए हराया गया, लेकिन गुजर गए वो 4 साल, 4.5 साल का अर्सा हो गया। लेकिन आप ये देखेंगे 4.5 साल में क्या आया कि हम छोड़कर भाग गए, जबकि शुरू में जब हम इलेक्शन हारे थे तो एक प्रोपेगेंडा किया गया पाकिस्तान जमीन पार्टी के खिलाफ सोशल मीडिया पे,
जूस बाइबल की गिनती छोड़कर भाग गए, चले गए जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तो आप देख रहे अलहमदुल्ला उस बात को, आज पौने सब चार साल का अर्सा गुजर गया है, इलेक्शन हारे भी लेकिन उसके बाद भी हम इलेक्शन हारे। तो कैंटोनमेंट के हम इलेक्शन हारे, खुद मुस्तफा कमाल साहब भी कैंडिडेट थे, 49 में इलेक्शन हार गए। तो हर वो चीज हमारा मकसद नहीं है, हम चाह रहे हैं कि हमारी आवाज लोगों को समझ में आ जाए, हमारी आवाज, हमने एक आवाज लगाई। और आज अलहमदुल्ला जो लोग पाकिस्तान जमीन पार्टी में शामिल हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि उन्होंने देख लिया जो इनके हकूक की बात करने के सिर्फ दावे करते थे, उनने सिर्फ अपने पेट भरे हैं, अपनी मराद के लिए उन्होंने हुकूमतों से सौदेबाजी की, अदरवाइज उन्होंने पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं किया। तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ऐसे ऐसे ही लोगों के समझ में आ रहा है और लोग उनको धुतकार हो रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं, वही समझ रहे हैं कि मुस्तफा कमाल ही पाए लीडर हैं जो इस कौम को जंगल से निकालेंगे। और हमने खुदा खास्ता किसी मखसूस तबके की, किसी मखसूस कौमियत की बात नहीं की, हम तो पूरे पाकिस्तानियों की बात कर रहे हैं, तमाम जो कौमी इस मुल्क में आबाद है हम सबको मिलाने की बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें कामयाबी हुई है और हमारा इनिशिएटिव आवाम को समझ में आ रहा है, लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल का कहना है कि मैं रसूल की उम्मत, हम सब मुसलमान चाहे कोई भी जबान बोलते हो, हम जो पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और हम उम्मत को लड़ाना नहीं चाहते, लड़ाने वाला काम जो होता है वो शैतान का होता है जो नफाक पैदा करते हैं भाइयों के दरमियान। हमने जोड़ने की बात की, जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, अल्लाह ताला अपने प्यारे लोगों से ये काम लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज देखें कि इस पार्टी में यहाँ पे सिंधी बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, पख्तून, बलोच, सरायकी, कश्मीर, कश्मीरी, गिलगिती, बिलती सब लोग हैं, इवन हिंदू लोग भी हमारे साथ हैं। और हमारा ये जो नजरिया मुस्तफ़ा का जो हमारा काम है तेजी के साथ पूरे मुल्क में फैल रहा है, वो भी हमारे पास वसा नहीं, उसके बावजूद भी लोग तेजी के साथ पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं ये बात बड़े वसूख से कहूंगा, बड़े कॉन्फिडेंट होकर मैं बात कहूंगा कि आने वाला वक्त पाकिस्तान जमीन पार्टी का ही है। आपकी एमक्यूएम छोड़ने की वजह क्या थी? देखिए मेरी एमक्यूएम छोड़ने की वजह सबको पता है, मेरी बात को छुपाई नहीं, मैं एमक्यूएम बहुत कम उम्र से, हम एमक्यूएम में भी हम फाउंडर थे, जब एमक्यूएम बने थे तब हम पार्टी में शामिल हुए थे। और एक सिंध के छोटे से इलाके में जहां पर लफ्ज महाजिर कौमी मूवमेंट पे काम करना, महाजिर मूवमेंट महाजिर इस्तेमाल करना बड़ी उस वक्त की दीदा दबेरी का काम था। तो हमने वो काम किया, अलहमदुल्ला चलते रहे, आखिर नतीजा यहाँ निकला कि इतने आगे चले गए। और जब पीछे मुड़ के देखते हैं कि जिस लफ्ज के लिए हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी, जाने दी, वो सब लगता ही कि राय ले रही है। लेकिन हम आखिर वक्त तक, जब मैं तो लंदन में मौजूद था जब वहां से मुर्दाबाद का नारा लगाया गया था, मैं उनके पासी था, कायदे तरीके पासी था मैं, और उसके बाद एक महीने तक वहीं था मैं, जब देखा कि मुसलसल ये नारे लग रहे हैं फौज के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ, तो सच्ची बात है हम उस बात को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ना मुल्क के गद्दार हैं और ना फौज को गाली देने वाले हैं। मैं वापस यहाँ पर आ गया पार्टी को छोड़कर, उस कायदे तहरीक को खैर बात कहकर, और आकर उसी एमक्यूएम को हमने जिंदा रखा, क्योंकि मुझे पता है इस एमक्यूएम के लिए हजारों लोगों ने जाने दी हैं। उस एमक्यूएम को हमने खत्म करने की कोशिश नहीं की, हमने हत्तोरिंगाम कोशिश की, इसलिए कोशिश की, मुझे पता है कि इसके बुनियादों में हजारों शोधाओं का लहू है, बहुत से उस वक्त के साथियों की कुर्बानियां हैं, जिला वतनी जेलों में गए, सौगतें बर्दाश्त की, कैदों बंद की, तकलीफ उठाई, उनके वादे ने तकलीफ उठाई, उनके बच्चों ने तकलीफ उठाई, तो हम कैसे चाहते थे इस एमक्यूएम को खत्म होने दें। लेकिन जाहिर है जो लोग इस वक्त जहां पर मौजूद थे वो लोग भी सिंसियर नहीं थे एमक्यूएम से, वो कुछ ही दिनों बाद फिर धड़ेबंदी हुई यहाँ पर, एमक्यूएम पीआईबी बन गई और एमक्यूएम हैदराबाद। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, मुझे अफसोस हुआ है इसलिए कि मैं जब आया था उस वक्त एमक्यूएम एक ही थी, उसके बाद में बदकिस्मती से एमक्यूएम हकीकी और एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन बन गई, तो मैं अल्ताफ हुसैन जैसे में आ गया, ना चाहते हुए भी हकीकी का ग्राम से अलग हुआ, ना चाहते हुए कि कौन तकसीम हो, पार्टी तकसीम हो, लोग तकसीम हो, हमें एक ना एक साथ काम किया है, एक साथ जदोजहद की है, फिर ये हो गया। फिर मैं तो फिर मैं कह रहा हूँ अल्ताफ हुसैन के साथ है ना, उस वक्त हम अल्ताफ हुसैन जैसे में आ गए और एमक्यूएम हकीकी बन गया, एमक्यूएम हकीकी हमने ज्वाइन नहीं की, तो झगड़े हमारे सामने ही हो गए। और फिर देखते देखते फिर एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन बन गई, तो फिर मैं एमक्यूएम पाकिस्तान के हिस्से में आ गया, मैं डिवाइड होता चला गया, मैं समझ था काम डिवाइड होता चला गया, एमक्यूएम पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। जब यहाँ काम करता रहा कुछ ऐसे बात, फिर यहाँ लड़ाई हो गई, जब यहाँ लड़ाई हुई तो फिर मैं अपने मौके पर खड़े हुए, यहाँ पर हम एमक्यूएम
मैं तेरा एमक्यू भारत के में आ गया, एमक्यू पीआई भी बन गई। तो मैं ये देखता हूँ कारकुन डिवाइड होता ही चला गया। मैं अपनी मिसाल कर रहा हूँ, मैं कारकुन की बात कर रहा हूँ कि आवाम अब कंफ्यूज हो गया कहाँ जाए। तो जब उन्होंने हाल देखा कि ये लोग तो कौम के सिंसियर नहीं है, मजीद कौम को डिवाइड करेंगे, तो मैंने वहां बैठ के एहतजाज किया, बातें की, लेकिन मैं ये समझता मेरी बातों में कोई वजन नहीं था, कोई असर नहीं था, इसलिए मैं अलग हो गया, अलग होकर मैं खामोश बैठ गया। अच्छा एक बात बताएंगे, जब आपका कहना है कि आप खुद कंफ्यूज हो गए कि मैं किस तरफ जाऊं, आपके कारकुन भी कंफ्यूज, अब इस कंफ्यूजन में तो मुल्क का तो कोई कुछ कर नहीं सकता ना, वो तो अपना ही फैसला नहीं कर पा रहा कि हमें कहां जाना है। नहीं ये ना कंफ्यूज की बात नहीं, देखो एक बात बैठकर हमने जिस फॉर्म में बैठे थे ना, हमने बात की कि हमारे इस अमल से लोगों को तकलीफ पहुंच रही है, उन लोगों को तकलीफ पहुंच रही है, उन फैमिलीज को तकलीफ पहुंच रही है जिनकी जिनके घरों से जनाजे उठे हैं, जिन्होंने सोबतें बर्दाश्त किए हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। तो खुदारा हम आपस की इन नाराजगियों को, इन इख्तलाफात को एक तरफ रखकर हम कौम के बेहतर मुफाद में हम काम करें मिलकर। लेकिन यहाँ पर लड़ाइयां थी सरवाए की, फारूक सत्तार सरबरा बनने जा रहे थे, अपने क्या कहते हैं खाली बबूल से देखी वहां पर बनना जा रहे थे सरबरा, तो उन सरबराहों के बीच के अंदर हम लोग इस्तेमाल हो रहे थे। तो हमने समझाया, जब नहीं समझ रहे तो फिर हमने अलीहदगी अख्तियार कर ली अपनी इज्जत बचाने के लिए, और बैठकर पार्टी से रिजाइन किया और पास पार्टी ज्वाइन की। तो खुदा ना खासा किसी में कोई किसी ओहदे के साथ नहीं मैंने ज्वाइन की, वरना लोग अपने ओहदे के साथ अपने वजन के साथ किसी दूसरे पार्टी को बार्गेनिंग करके ज्वाइन करते हैं। वैसे एक कारकुन मैंने तो एमक्यू से रिजाइन किया, एमक्यू की अमानत जो आप देखिए मेरी फेसबुक आईडी पे सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, तो मैंने बाकायदा तौर पर वो अमानत लौटाई, और बड़े कर्ज से जो मैंने बात की उस मेरे अपने वीडियो प्रोग्राम मेरे पैगाम आडियो पैगाम में कि मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि जिंदगी के 33 साल में एक पार्टी में लगाकर और आज मैं क्यों छोड़ रहा हूं, मैं इसलिए छोड़ रहा हूं उनकी हरकतों की वजह से मैं छोड़ रहा हूं। तो ये सेनेट के इलेक्शन से बैक हो गए, सेनेट के इलेक्शन के अंदर से बिल्कुल, जब सेनेट इलेक्शन की बात से देखो मैं सेनेट के इलेक्शन में तो मैंने भी वो आडियो पैगाम भी मेरा रिकॉर्ड पर मौजूद है, मैंने कहा था कि आप तकसीम ना हो, असल में मैं भी जाहिर कैंडिडेट था तो एक डिस्प्यूट मसला बन रहा था कमेंट कसोरी और तीन चार जो लोग थे उस पर, मैंने कहा यार आप ऐसा करें, मैंने बैठ के बात की है और मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से आपके चैनल के तवस्सुस से मैं से कोई बैठ के बात कर रहे, मैं इनको बाजाराबाद के तमाम अहदेदार और तमाम पीए उनके ओहदों में चैलेंज करता हूँ, मेरे सामने बैठे कि मैंने नहीं करा दिया, जब उनको आप कसम दे के पूछेंगे मैंने बिल्कुल ये तकसीम होने से एमक्यू पीआईबी और बाजाराबाद बनने से बंद कमरे में बैठ के मैंने कहा था, मैंने कहा ये सलामत मेरी सीट की जरूरत, आप कह रहे हैं क्या आपको आप फारूक सत्तार से लड़ रहे हैं कि नहीं शकील कायम खानी को सीट दें, और फारूक सत्तार कह रहे थे कि उनको चाहे कावन तहसील को, तो मैंने कहा मेरे नाम की वजह से और आप क्यों लड़ रहे हैं, मैं बेक हो जाता हूँ, मैं बेक हो जाता हूँ, कम अज कम आप पार्टी को तकसीम ना करें और इसके मुतमिन हो नहीं सकते, पहले ही हम इतने जख्म खोलता है तो अब इस बात के मुतमिन हो नहीं सकते कि हम मजीद और अलहदगी हो जाए, तो मैं बेक हो जाता हूँ, कोई बात नहीं, मुझे वैसे ही अल्लाह ताला ने इज्जत दी, जरूरी कि मैं सेनेटर बन के बनू, तो लेकिन मेरी असर मेरी बात को नहीं माना बादराबाद वाले जुमेरा, मेरी बात को नहीं माना इसलिए कि मुझे आगे करके वो अपने सगड़ाई चक्कर लड़ाई कर रहे थे, तो मैं समझ गया था, तो मैंने तो बताया था रीजन, मैंने कहा मैं बैक हो जाता हूँ, मैं फॉर्म को मैंने और मैंने आप ये भी रिकॉर्ड पर मौजूद है मैंने फॉर्म नहीं भरा, सो सेनेटर मुझे कहते रहे मेरे घर पर आए कि आप, मैंने कहा मैं भरूंगा फॉर्म। आप लोगों के डिवाइड होने से कराची को फायदा हुआ नुकसान? देखो कराची को तो पहले जब साथ थे तब भी को कराची के साथ कोई फायदा हो नहीं रहा था, असल हाँ अब यही तो हम शऊर दे रहे हैं कराची के शहरियों को कि जितनी कुर्बानियां कराची के लोगों ने दी उतना कराची को मिला नहीं, कराची के लोग इस्तेमाल होते रहे एक नारे के पीछे, उसमें हम भी शामिल थे ना, हम भी तो थे, अगर हम ये कह दें हम नहीं हम उसका हिस्सा थे, लेकिन जब जब बात हम समझ गए हैं, जब अकल में आ गई है, तो हमने किनारा कशी की और आज हम एक नए नैरेटिव के साथ हम काम कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को तबलीग कर रहे हैं, जात कर रहे हैं, यही तबलीग कर रहे हैं कि खुदारा इन नफरतों में, लसानियत में, तासुब में, असलियत में कुछ भी नहीं रखा है सिवाय नुकसान के, क्यों ना हम सब मिलकर इस पाकिस्तान के लिए जो कि हमारा मुल्क है बड़ी कुर्बानियों के बाद हमने हासिल किया है, और फिर ये सुबह हमारा और खास तौर पर ये सूबे का दारुल खिलाफा कराची जो एक मौशी हब है पाकिस्तान का, तो इसमें क्यों ना हम संवारे। तो मुस्तफा कमाल एक डायनेमिक लीडर है, इन्होंने पहले भी जब इनके पास हथियार थे इन्होंने कराची को बनाया, इंशाल्लाह ताला अगर कौम हम पर एतमाद करेगी हमें मैंडेट देगी तो यकीनन फिर हम अवामुल नास की ही खिदमत करेंगे, अवामुल नास के ही काम करेंगे, ये जज्बे का सिलसिला होकर हम अब ये पार्टी में हम काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के बात समझ में आ रही है, मुस्तफा कमाल का नैरेटिव समझ में आ रहा है और लोग जो तजुर्बा पार्टी में शामिल हो रहे हैं, अब उनका चेहरा भी लोगों ने देख लिया है जो उनको
पता है कि सब ये अपनी वजारतें लेने के लिए ये लफ्ज महाजर इस्तेमाल कर रहे हैं, अदरवाइज कुछ नहीं हुआ। पीटीआई की कारकर्दगी के बारे में क्या बोलेंगे उसके, उससे कराची को फायदा हुआ है कोई फायदा नहीं हुआ? यार देखिए पीटीआई पौने चार साल उसने हुकूमत की तकरीबन कम उबेश, पौने चार साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नारे लगाए थे इलेक्शन से पहले कंटेनर पे खड़े होके जो वादे पेश किए थे उसमें मैं समझता हूँ तो एक भी उन्होंने पूरा नहीं किया। एक वादा भी इन्होंने कहा था आज कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे पाकिस्तान के बेरोजगार नौजवानों को, 1 नौकरी इन्होंने नहीं दी। इन्होंने कहा 50 लाख घर बनाएंगे हम, ग्रीन पासपोर्ट की हम वैल्यू कराएंगे पूरी दुनिया के अंदर, इस किस्म के इन्होंने बात की थी। लेकिन इन्होंने सब बातों से हटकर और कौन को इन्होंने भैंस पालने का दर्द देने लगे, ये मुर्गी अंडे की बात करने लगे, तो जहर है आप कहां दुनिया कहां पहुंच गया। आप अंडों और मुर्गी की बात कर रहे हैं, भैंस का कट्टा की बात कर रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई, नए पाकिस्तान की आपने बात की तो पुराने लोग देखते हैं पुराना पाकिस्तान बता दो, पुराने पाकिस्तान में तो महंगाई नहीं थी, पुराने पाकिस्तान में तो चीनी आटा घी दाल ये सब चीजें सस्ती थी जो आम एक गरीब आदमी के रोजमर्रा के इस्तेमाल में आती है। लेकिन नया पाकिस्तान बनने के बाद में ये तमाम चीजें महंगी हो गई है, इवन दवाइयां महंगी हो गई और बहुत कई गुना ज्यादा महंगी हो गई, तो गरीब आदमी तो पिसके रह गया। तो गरीब आदमियों ने फिर तौबा की, बोले हमें तो पुराना पाकिस्तान ही बेहतर था हमारे लिए जब ये चीजें सस्ती थी जो हमारे दस्तक में थी। लेकिन आज कदर महंगाई हो गई है तो गरीब आदमी का तो जीना मुहाल हो गया। तो इसलिए तरीके इंसाफ की ड्रिवेंस परफॉर्मेंस जीरो बटा जीरो है, नहीं बटा ले तो लोग मुतमिन नहीं हुए। यही वजह आप देख रहे कि तमाम इत्तेहादी जमातें भी नाराज हो गई हैं। आलमगीर खान को कराची तो ये मुश्किल से 8 या 9 मरतबा आए पूरे पीरियड में अपने वजारत उज़्मा के दौर में, टोटल 8 से 9 मरतबा आए और सिर्फ चंद घंटों के लिए आए, कभी नहीं रुके। लेकिन अब वजार से हटने के बाद तो ये अब एक रात रुके हैं। ये अब आप इस कराची के लोगों को सोचना चाहिए कि बताएं इन्होंने किया क्या, इन्होंने जो ग्रीन बस शुरू जो वहां पे हुई वो भी नवाज शरीफ का मंसूबा था ना, इन्होंने कुछ भी नहीं कराची में एक बूंद पानी का कचरा नहीं दिया। इन्होंने आज कराची के आवाम बूंद बूंद को तरस रही, समुद्र के किनारे आबाद होकर भी कराची के लोग परेशान है। कराची के कई इलाके से जहाँ पे पानी की बूंद तक नहीं आती है और लोग बेचारे अफोर्ड कर नहीं सकते, कहां से टैंकर में, दुनिया का भाई शहर जो टैंकर के जरिए पानी सप्लाई किया जाता है, टैंकर माफिया, तो कोई परेशानियां नहीं है। कराची की ट्रांसपोर्ट आप देखें बिल्कुल खत्म, तबाह और बर्बाद होकर रह गई है, सर्कुलर ट्रेन उन्होंने चलाई नहीं, कुछ भी नहीं किया कराची के लिए, तबाह और बर्बाद कर दिया उन्होंने कराची को। तो अब कराची के आवाम को सोचना चाहिए, नारों के पीछे लगोगे या वाकई हकीकी उस लीडर के पीछे लगोगे जो कराची के लिए, जो कराची का मुकामी लीडर है जो दर्द आता है कराची के लिए। तो अभी कराची के आवाम को सोचना है, अगर कराची के आवाम इस मरतबा इस इलेक्शन नहीं सोचेगी तो फिर कोई पुसा नाम नहीं है, फिर आवाम का खुद का कसूर है, फिर आवाम खुद कसूरवार होगी अगर किसी अच्छी लीडर को उन्होंने और किसी अच्छी पार्टी को अगर नहीं चुना था उन्होंने। इस पंचायत इलेक्शन में आप क्या समझते हैं, आप कुछ सीटें निकाल लेंगे या मेयर आपका आ सकता है? देखो इस पंचायत इलेक्शन फिलहाल कराची में हैदराबाद में नहीं हो रहे हैं, लेकिन सिंध के 4 डिवीजन मेरे को खास उसमें इनशाला अलहमदुल्ला हमारी पार्टी भरपूर हिस्सा ले रही है, हम डेरी की बुनियाद पर हम मीटिंगें कर रहे हैं और सिंध के यहाँ कराची जिले की कश्मोर तक, कराची से कश्मोर तक हमारे नुमाइंदे इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और ये बात साबित करेगा, क्योंकि सिंध की जो आवाम है गरीब वो भी तो बेचारी जुल्म की चक्की में किसी भी ना, पीपल्स पार्टी जो 14-15 साल से हुकूमत कर रही है क्या किया उनको। आज सिंध आप चले लाड़काना चले, आप दादू चले, आप जेकोबा चले, उमरकोट चले, थर चले, जहां भी आप चले घोटकी चले, सिंध की गरीब आवाम के पाँव में चप्पल की हाँ कुछ तबका जरूर फैजियाब हुआ जो हमेशा होता है, लेकिन आम सिंधी तो बेचारा आज परेशान है ना, ना वो बेरोजगार है, ना कोई नौकरी मिल रही है, ना कोई रोजगार मिल रहा है, परेशान है बेचारे। जो रोटी कपड़ा और मकान की बात करती थी पार्टी, उन्होंने सिवाय धोखा दी कि कुछ भी नहीं किया सिंध के आवाम के साथ, सब लोग परेशान है। तो अब सिंध में एक बड़ा इंकलाब हर होगा, आप देखिएगा और खामोश इंकलाब उठेगा एकदम। अभी नून लीग की हुकूमत है तो इसमें कुछ कराची को कुछ फायदा पहुंचने के लिए नून लीग की हुकूमत तो नहीं की पीडीएम की हुकूमत सब मिलकर इसमें मौलाना फजल राय पार्टी भी है और पीपल्स पार्टी के तमाम जमाते हैं इसके अंदर और एमक्यू भी इसमें है, जिन्होंने अभी 2 वजारतें नहीं, ये कह रहे हैं वजारतें नहीं लेकिन हम आवाम के काम करेंगे, इन्होंने कुछ भी नहीं करना आवाम के, ये आवाम उनको देख लिया, आवाम ने अच्छी तरह उनको पहचान लिया है, ये इलेक्शन आने दें, ये अपने इलाकों में नहीं जा सकेंगे, देखिएगा लोग इनका पीछा करेंगे, अब लोग इनसे हिसाब लेंगे,
तीन दहियों में लोग इनसे हिसाब लेंगे कि लोगों से सर जो इन्होंने ज्यादा की ना। आप किसी जमात के साथ मिलकर चलने का प्रोग्राम है, आपका जमात इस्लामी हो गया, हकीकी हो गई? नहीं, ये झंडा उन्हीं का था, ये नजरिया उन्हीं का था, अल्फा हुसैन का ये निशान पतंग उन्हीं की थी, तो ये उनकी पार्टी पे कब्जा करके बैठे हैं। ये छोड़कर जिस तरह पाकिस्तान जमीन पार्टी ने अपनी पार्टी बनाई, अपना नजरिया, अपना मंशूर, अपना निशान, गर्लफ्रेंड, ये कह रहे हैं आपकी दुकान खोली अपने, नहीं किसी दुकान पे कब्जा नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मलेशिया आ गए लोग नहीं थे हमारे साथ, लेकिन रफ्तार रफ्तार देखिए किस तरह, मेरे सब दोस्त शख्स आए थे ना मुस्तफा कमाल अली साहब खानी, आज लाखों लोग हमारे साथ हैं। क्या उम्मीद है आप कितनी सीटें निकाल सकते हैं इस इलेक्शन में? ये तो कम से कम बात तो ये तो आप बताएगा इंशाल्लाह, बारह हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लोगों को पैगाम दे रहे हैं, लोगों को समझ में आ रही है। बगैर न्यूज़ को आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? बस बका न्यूज के लिए दुआएं, बेरा दुआएं, एक तमन्ना है कि अल्लाह ताला बका न्यूज के जो ऑनर हैं उनको, जो भी आप जैसे हजरत एंकर हैं या कैमरामैन हैं, जो भी सबको अल्लाह ताला तरक्की दे, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, और बका चैनल एक अपना मुकाम बनाए माशरे में, और सच और जो बातें हैं वो आवाम तक लेकर आए, अफसराने वाला तक लेकर आए, जिससे मसले मसाइल न हो। जी नाज़रीन, हमारे साथ थे आज शब्बीर अहमद कायम खानी, वाइस चेयरमैन PSP। देखते रहिए और मज़ीद हम आपको अपडेट देते रहेंगे PSP के हवाले से, मुख़्तलिफ़ जमातों के हवाले से। बका न्यूज़ के साथ रहिएगा, बका न्यूज़ की टीम और मोहम्मद अमजद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेकबर।